हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद हजरत वाहिद अंसारी मालेगांव नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, क्या बात है। हमारे वास्ते मौला हुसैन काफी है, हमारे वास्ते। अभी शेर पढ़ता हूँ। रामेश मालेगांव भी हमारे शहर के उस्ताद शहर से इंतकाल हो गए। रामेश मालेगांव ने कहा था कि नींद के शहर में जी आवाज का पत्थर फेंकूं, नींद के शहर में आवाज का पत्थर फेंकूं, कोई जागे के ना जागे मैं बराबर फेंकूं। कोई जागे या ना जागे मैं बराबर फेंकूं। उससे देखा ना गया छीर के पानी का सुकून, मेरी फितरत है कि बैठा हुआ कंकर फेंकूं। हाय हाय हाय। तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो आपके ऊपर खामोशी की गाल चढ़ जाती है, एक शेर पढ़ता हूँ, शायद ये गाल काट दे ये शेर और थोड़ा सा जुड़ जाए, बेदार हो जाए। जी, जी है ना स्वाद होगा जी। ऐसा हमारे वास्ते मौला हुसैन काफी है, हाय हाय हाय। हमारे वास्ते ये कायनात की क्या बात है, हर शय को पालने के लिए ये कायनात की, हर शय को पालने के लिए तेरे घराने का, तेरे घराने का सदका हुसैन काफी है। तेरे घराने नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। रोशनी को गैर जानिबदार होना चाहिए, ये शेर मैं पढ़ने वाला था, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने इस शेर की नफी कर दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे बताना कितने लोगों ने इस शेर को पसंद किया। इजाजत है। तेरे घराने का सदका हुसैन काफी है, तेरे घराने का। मुन्ना भाई मनमान वाले, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन लोगों से मेरी मुलाकात कराई, बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ दो, समाप्त करवाए। ये सारी दुनिया के जी,
शेर पे जो नहीं बोलेगा ना शेर पे पूरी रात कितना भी बड़ा शेर पढ़ दिया जाए आप नहीं बोल पाए जो इस पे नहीं बोलेगा समाप्त होगा तेरे घराने सदका हुसैन काफी है तेरे घराने का ये सारी दुनिया के सजदों को तौलने के लिए ये सारी दुनिया के सजदों को सजदा हुसैन काफी है हाय 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 नारे तकबीर अल्लाह अकबर बापा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद नारे तेरे घराने का सदका हुसैन काफी है तेरे घराने का ये सारी दुनिया के सजदों को तौलने के लिए ये सारी दुनिया के सजदों को सजदा हुसैन काफी है वो तेरा एक ही सजदा हुसैन काफी है अली का लाडला हुसैन काफी है हमारे वास्ते बहुत शुक्रिया अब आइए मनान की खुशी और सुनिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सैयद अबरार तुझे क्या मालूम कौन है सैयद अबरार तुझे क्या मालूम सारे नबियों के हैं सरदार तुझे क्या मालूम सारे नबियों के हैं सरदार तुझे क्या मालूम कौन है सैयद अबरार तुझे सरदार तुझे क्या मालूम सारे नबियों के हैं सरदार तुझे क्या मालूम तुझे क्या मालूम और ये मतलब भी समाप्त होना है बड़ा मतलब है ये सिर्फ आपको ये इतना दे दूं कि जो शेर बड़ा होता है अच्छी जिसकी बारी काटती है उसके आप थोड़ा सा बोल दिया करें ताकि जब कैमरा लगा हुआ है तो दुनिया के लोग देखें कि शायरी का कितना अच्छा अबरौदा के लोगों ने बोला पेश करता हूँ साथ में सारे नबियों के हैं सरदार तुझे क्या मालो तुझे क्या मालो तेरी फितरत में है इनकार तुझे क्या मालो तेरी फितरत में है इनकार तुझे क्या मालो तेरी फितरत में है इनकार तुझे क्या मालो तुझे क्या मालूम कफरों ने किया इकरार तुझे क्या मालूम तेरी फितरत में है इनकार तुझे क्या मालूम
सफरों ने किया इकरार तुझे क्या मानो, सफरों ने किया इकरार तुझे क्या मानो, तुझे क्या मानो, कौन है खुल्द का हकदार तुझे क्या मानो, कौन है खुल्द का हकदार तुझे क्या मानो, कौन है खुल्द का हकदार तुझे क्या मानो, किसको ले जाएंगे सरकार तुझे क्या मानो, किसको ले जाएंगे सरकार तुझे क्या मानो, तुझे क्या मानो। मेरे कबीले के लोग नहीं हो तो आपसे शिकायत करके क्या होता है। मदारी जब कहीं खेल लगाता है ना किसी चौराहे पे मैदान में लुक्कड़ के, तो उसका जब खेल मुकम्मल हो जाता है तो एक आदमी रकाबी कासा या थाली लेके ऑडियंस में घूमता है, उसे सिक्का डाला जाता है, तो जो पहला सिक्का डालता है वो मदारी का आदमी होता है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इसने सिक्का डाला है। अब ये मेरे कबीले के लोग जो सिक्का डालने वाले थे तो दाद देने वाले थे यही गाय थे, तो आपसे शिकायत करके क्या इसको ले जाएंगे सरकार तुझे क्या मालूम, तुझे क्या मालूम। और ये तीन मतले मैं इनसे पढ़ूंगा और एक शेर पढ़ूंगा, बस इस शेर पे दुआओं से नमाज देना बस, यानी जरूरी नहीं कि आप यहाँ आके आप मुझसे मुसाफा करना, जहाँ है बस कहीं से शरीक हो जाना, मुझे दुआओं से नमाज देना। कौन है सैयद अबरार तुझे क्या मानो, सारे नबियों के हैं सरदार तुझे क्या मानो, तेरी फितरत में है इनकार तुझे क्या मानो, कफरों ने किया इकरार तुझे क्या मानो, कौन है खुल्द का हकदार तुझे क्या मानो, किसको ले जाएंगे सरकार तुझे क्या मानो, किसको ले जाएंगे सरकार तुझे क्या मानो, तू तो खुद अपने ही किरदार से ना वाकिफ है, तू तो खुद अपने ही किरदार से ना वाकिफ है, तू तो खुद अपने ही किरदार से ना वाकिफ है, तू तो खुद अपने ही किरदार से ना वाकिफ है, करबला वालों का किरदार तुझे क्या मानो, करबला वालों का किरदार मरने के भी हम लोग किया करते हैं, बात मरने के भी हम लोग किया करते हैं, कब्र में आका का दीदार तुझे क्या मानो, कब्र में आका का दीदार तुझे क्या मानो, कौन है सैयद अबरार तुझे क्या मानो, सारे नबियों तुझे क्या मालूम। शेरों पर पता हो अच्छा अजीज इतना ही रखो कि जी समझ जाए, अब इस कदर में ना चाहो कि दम निकल जाए।
देखिए भाई माल वही बेचा जाता है जहाँ खरीदार है ना, अगर बिकेगा तो 5 बजे तक बेचेंगे, आप तो 4 बजे तक बोल रहे बस थोड़े से हौसला दे मुझे लगे किस सुन रहे हैं आप, आप खामोश रहते हैं तो ऐसा लगता है कि शेयर हमारा शेयर अच्छा नहीं है या सुना नहीं जा रहा है, आप कुछ लोग चले भी गए तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, कुछ 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 लोग भी हैं तो उन्हें भी शरीर बुझाए समाप्त जो भी मेरे आका का वफादार हुआ है ये देखिए नाजिम की नाजिम का टेंशन है कि किस वक्त कौन सा शेर पढ़ रहा है, किस वक्त कौन सा जुमला बोलना है, किस वक्त कौन सी तकलीफ पढ़ना है, शायर का टेंशन है कि अब इस वक्त मुझे कौन सा शेर पढ़ना है, आपको तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोलना है ना, इतना भी नहीं कर रहे आप, नुकसान नहीं है सिर्फ फायदा ही है इसके ना, बोले सुभान अल्लाह जो भी मेरे आका का वफादार हुआ है, 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 वफादार हुआ है हर हाल में वो खुल्द का हकदार हुआ है, हकदार हुआ है, जो भी मेरे आका वफादार हुआ है, वफादार हुआ है हर हाल में वो खुल्द का हकदार हुआ है, हकदार हुआ है एक बार नहीं ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं ऐसा कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, एक बार नहीं ऐसा कई बार हुआ है, कई बार हुआ है ख्वाबों में मुझे तैबा का दीदार हुआ है, दीदार हुआ है, एक बार नहीं ऐसा कई बार हुआ है, कई बार हुआ है ख्वाबों में मुझे काफिये की दाद चाहूंगा और उसके बाद इजाजत मैं शेर पढ़ता हूँ समाप्त ख्वाबों में मुझे तैबा का दीदार हुआ है, यार ये यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया, हम बैठे थे बंदा मुझे मोबाइल में कुछ सुना रहा था झारखंड के लिए, तो बोले ये देखो बोले ये सब मत पढ़ो, मतलब यार झारखंड का मुशारा यहाँ बैठ कर सुन रहा, मुझे बोल रहा कि ये सब मत पढ़ना नया पढ़ना, नया भी पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन वो मौका वो टेम नहीं है, हाँ बहुत है माल अल्लाह का शुक्र है राइटर है, हाँ होता शायर नहीं है राइटर है अल्लाह का शुक्र है, ये शेर सुन लीजिए फिर उसके बाद दो तीन शेर पढ़ देता हूँ ताकि आप ये रह जाए कि मैंने कुछ नए शेर पढ़े, समझ रहा है हर हाल में वो खुद का हकदार हुआ है, हकदार हुआ है ये जो भटक रहा है मुसल्ला लिए हुए, ये जो भटक रहा है मुसल्ला लिए हुए, मुसल्ला लिए हुए ये मस्जिद नबवी से तड़ी पार हुआ है, ये मस्जिद नबवी से तड़ी पार हुआ है हर हाल में वो हकदार हुआ है, हकदार हुआ है, हकदार
हुआ है। सबका सवाल फरमाए। कोई रसूल ना आया मेरे रसूल के पास। बहुत अच्छा मतला है, बस नमाज देना। कोई रसूल ना आया मेरे रसूल के बाद, कोई रसूल ना आया मेरे रसूल के बाद, कोई रसूल ना आया मेरे रसूल के बाद। खिला ना फूल कोई आमना के फूल के बाद, खिला ना फूल कोई आमना के फूल के बाद, कोई रसूल ना खिलाना फूल कोई आमना के फूल के बाद, खिलाना फूल कोई आमना के फूल के बाद। जमाना लाख बनाता रहे उसूल मगर, जमाना लाख बनाता रहे उसूल मगर, जमाना लाख बनाता रहे उसूल मगर, उसूल ही नहीं इस्लाम के उसूल के बाद, उसूल ही नहीं इस्लाम के उसूल के बाद। अगर बड़ा शेर सुन लीजिए, समाज समय। कलाम हक ही थे तौरात और ज़बूर इंजील, कलाम हक ही थे तौरात और ज़बूर इंजील, कलाम हक ही थे तौरात और ज़बूर इंजील। रहे ना बाकी वो कुरान के नुज़ूल के बाद, रहे ना बाकी वो कुरान के नुज़ूल के बाद, रहे ना बाकी वो कुरान के नुज़ूल के बाद। एक फक्का दो शेरों से समाप्त कर। हम अपना सोया मुकद्दर जगा के सोते हैं। हम अपना सोया मुकद्दर जगा के सोते हैं। रसूल पाक को नाते सुना के सोते हैं। रसूल पाक को मदीना जाने का रास्ता बना के सोते हैं। मदीना जाने का रास्ता बना के सोते हैं। हम उनकी याद में आंसू बहा के सोते हैं। इजाजत। मदीना जाने का रास्ता बना के सोते हैं। हम उनकी याद में आंसू बहा के सोते हैं। हम उनकी याद में उन्हीं को खाक में मां के हवाले से बहुत सारे शेर पड़े हैं, बस एक शेर सुन के बताना। काफी मिठा चौक नया लगे तो मुझे दुआओं से। रास्ता बना के सोते हैं रसूल पाक को, उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है। उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है। जो मां के तलवों का
तकिया बना के सोते हैं, जो माँ के तलवों का तकिया बना के सोते हैं, जो माँ के तलवों का उनको ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, जो माँ के तलवों का जो माँ के तलवों का तकिया बना के सोते हैं, मदीना जाने का अपनी किस्मत को बदल, अपनी किस्मत को बदल तैमा चल, अपनी किस्मत को बदल तैमा चल, अपनी किस्मत को बदल तैमा चल, होगा हर मुश्किल का हल का हल तैबा चल। अगर चेहरा चमकाना है आईना खुद को बनाना है, अगर चेहरा चमकाना है आईना खुद को बनाना है, महकने फूलों के जैसा अगर खुद को महकाना है, महकने फूलों के जैसा अगर खुद को महकाना है, अगर खुद को महकाना है तो खाके तैमामों पे मल तो खाके तैमामों पे मल चल, होगा हर मुश्किल का हल तैबा चल। उमरिया बीती जाए रे लगन तैबा की सताए रे, उमरिया बीती जाए रे लगन तैबा की सताए रे, के कबली वाले के गम में नजरिया नीर बहाए रे, के कबली वाले के गम में नजरिया नीर बहाए रे, नजरिया नीर बहाए रे, दसे है दिल को एक एक पल तैबा चल, दसे है दिल को एक एक पल तैबा चल, होगा हर मुश्किल का हल तैबा चल, अपनी किस्मत को बदल बदल बदल, अपनी किस्मत को बदल